एक और बड़ी खबर आ रही है और कुलगाम में एक बार फिर से आतंकियों का खूनी खेल जो है वो शुरू हो चुका है। बैंक मैनेजर हैं, देहाती बैंक में काम कर रहे थे, कुलगाम के राजस्थान के रहने वाले हैं, विजय नाम बताया जा रहा है। आतंकियों ने हमला जो है वो किया है, क्रिटिकल इंजर्ड जो है इस समय और उन्हें शिफ्ट किया गया हॉस्पिटल के अंदर। फिलहाल तस्वीरें देख सकते हैं यहाँ पर, कश्मीर के तमाम सरकारी कर्मचारी जो जम्मू के हैं और कश्मीर के अंदर नौकरी कर रहे थे वो जम्मू पहुंचे हैं और वो प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार के खिलाफ, अपनी ट्रांसफर की मांग कर रहे थे। उसी बीच जो है वो हमला जो है कुलगाम के अंदर एक ऑफिस से हो गया। इससे बातचीत भी करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। कुलगाम में एक ऑफिस से हमला आ चुका है, आप यहाँ पर ट्रांसफर की बात कर रहे हैं, वहाँ पर बैंक मैनेजर के ऊपर हमला आ चुका है। कोई तो बोल रहा है बाप, हम सेफ नहीं है, यही तो गवर्नमेंट को बताना चाह रहे हैं। देयर इज नो सेफर जोन इन कश्मीर। फिर भी सेफ नहीं है। एक सरकार कह रही है कि हम सिक्योरिटी देंगे, फिर भी हमले हो रहे हैं। फिर भी हो रहे हैं ना, ये किसकी, ये हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की फेलियर है, इनका फेलियर है, गवर्नमेंट फेलियर है, वहाँ पे टोटली फेलियर है गवर्नमेंट। फिर आप देख सकते हैं साफ तौर पर और इस समय यहाँ पर रोडों पर है। क्या कहना चाहेंगे सर, हमला एक बार फिर से हो चुका है कुलगाम के अंदर। बैंक मैनेजर थे, बीजे राजस्थान के रहने वाले हैं, उन पर हमला हो चुका है कुलगाम में। सर कश्मीर वैली में कोई सुरक्षित नहीं है, जो गवर्नमेंट खोखले वादे कर रही है कि हम सारे एम्प्लॉय जो मिनोरिटीज के हैं, के कश्मीरी पंडित हमारे भाई हैं, उनको हम सेफ प्लेस पे पोस्ट करेंगे। वहाँ कोई जगह सेफ नहीं है सर। अगर आप, मैं मान सकता हूँ एक सिक्योरिटी दे के हम वहाँ पे ड्यूटी भी ले भी लेंगे सर। हमने जहाँ कमरे किराए पे रखे हुए हैं वहाँ पे हमें गवर्नमेंट अकोमोडेशन नहीं है, वहाँ पे हमें सिक्योरिटी नहीं है। हमें बाजार जाना है, राशन खरीदना है, दूध खरीदना है, दवाइयाँ लेनी है, वहाँ हमारा कौन ख्याल रखेगा? क्या ये गवर्नमेंट एक एक पीएसओ हमें दे सकती है? दे सकती है गवर्नमेंट, इसलिए हम वहाँ पे सेफ महसूस नहीं करते। हम वहाँ पे तब तक नहीं जाएंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती। हाँ, हम गवर्नमेंट को खुला ऑप्शन देते हैं, आप हमें जम्मू ट्रांसफर मत करो, आप हमें कश्मीर से बाहर पंजाब लद्दाख जहाँ लगाना लगा दो, लेकिन हम वहाँ पे नहीं जाएंगे। बता रहा हूँ, देख सकते हैं आप तमाम लोग जो कश्मीर में कर रहते हैं उन सभी को जहाँ पर जो है जम्मू आए हैं और कहीं ना कहीं अपनी जान की सुरक्षा करते हुए यहाँ पहुंचे हैं और साफ तौर पर मांग जो है इनकी एक ही तरफ है। और यहाँ पर फीमेल से भी बातचीत करेंगे, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे आखिरकार ये किस तरीके से देखते हैं। मैम, आप यहाँ पर अभी प्रदर्शन कर रहे हैं ट्रांसफर के लिए, कुलगाम के अंदर एक और हमला हो गया है, बैंक मैनेजर उन्हें जो है गोलियों का शिकार बनाया, क्रिटिकल इंजर्ड है, वो हॉस्पिटल किया गया शिफ्ट में, क्या कहेंगे? ट्रांसफर करो हमें, टारगेट क्लियर आगे दोबारा बार बढ़ रही है, प्लीज प्लीज स्टॉप टारगेट क्लियर। इस समय आपसे बात करेंगे, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। और ये देखिए और बातचीत भी करेंगे, इनसे पूछने का प्रयास भी करेंगे कि आखिरकार आप अभी कुछ ही पल देख सकते हैं आप, और जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो रोक रही है कि आप जो है सड़क पर उतरे, और इन्हें जान का खतरा है। देखिए जान से बढ़कर क्या है, पैसा तो इंसान कमाएगा लेकिन जान जो है उसकी वैल्यू समझनी होगी एडमिनिस्ट्रेशन को। जिस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरें लगातार मैं आपको दिखा रहा हूँ और बातचीत जो है इनसे भी की जा रही है, क्योंकि इस समय दहशत का माहौल है और लगातार जो है टारगेट किलिंग जो है उसे दोहराया जा रहा है। और एक बार फिर से देहाती बैंक में काम कर रहे मिस्टर विजय जी जो है उन्हें जो है उनका जो है उन पर जो है वो गोलियां जो है वो चलाई गई हैं और वो क्रिटिकल इंजर्ड जो है इस समय उनकी स्थिति जो है वो सही नहीं है। डॉक्टर्स जो है उनका इलाज कर रहे हैं ताकि वो रिकवर हो सके इंजरी से, लेकिन फिलहाल देख सकते हैं तस्वीरें आप, लेट रजनीवाला टीचर जो थी कुलगाम के अंदर, गोपालपुरा के अंदर, उनके फोटो लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। साफ तौर पर कहा जा रहा है कि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं घरों में, वो इंतजार कर रहे हैं आखिरकार ये हो क्या रहा है हमारे साथ, क्योंकि ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे, ये लोग जम्मू पहुंचे थे ट्रांसफर की मांग कर रहे थे, लेकिन उसी बीच जो है कुलगाम के अंदर गोली जो है वो चल गई है और आतंकवादियों ने एक बार फिर से बैंक मैनेजर जो है देहाती बैंक में काम कर रहे थे, विजय नाम बताया जा रहा है, उन पर जो है वो कायराना हमला किया है और क्रिटिकल इंजर्ड जो है वो बताए जा रहे हैं। तस्वीरें देख सकते हैं आप, महिलाएं जो है वो भी इस प्रोटेस्ट में जो है वो हिस्सा ले रही है और परेशानी जो है वो साफ तौर पर इनके चेहरों पर है और इनसे बात जरूर करेंगे। ये देखिए सरकार गहरी मुद्रा में, क्योंकि बच्चे हैं छोटे छोटे, आप इतने सालों से काम कर रहे हैं, आखिरकार पॉलिसी क्यों नहीं, बाकी स्टेटों में पॉलिसी आप की? हमारे बच्चे खज्जल हो गए, हम खुद खज्जल हो गए, हमारे बच्चे खज्जल हो गए, कश्मीर पूरे कश्मीर के बच्चे खज्जल हो गए। ये कम्युनिटी की बात नहीं है, कश्मीरियों को पूछो बाहर जाके देखो, उन्होंने 6-6 साल से स्कूल नहीं देखे हैं। ऐसा तो नहीं है कि दिखाना चाहते हैं कि कश्मीर में बहुत शांत है, देखिए सब जो उन्होंने आर्टिकल 370 तोड़ा ही उसका रिजल्ट है और कुछ
की बात करें, लेकिन सिक्योरिटी के बीचों बीच हमले हो रहे हैं। सिक्योरिटी कौन सी सिक्योरिटी सर? कोई सिक्योरिटी नहीं है सर। आप रेंट पे रह रहे हैं, वहाँ कोई सिक्योरिटी आपको कहाँ? आप तो बाहर रहते हैं, रेंट पे रहते हैं। बताओ अगर वहाँ पर जब ये इतने सारे इतनी सारी टारगेट किलिंग हुई, शाम को सिविलियन को मारा, उसको सिक्योरिटी नहीं थी क्या? सिक्योरिटी अभी भी हमें किलिंग हो गई, फिर उनकी सिक्योरिटी कहाँ थी? वो अच्छा हो गया हम वहाँ से निकल आए, हमें किसी ने नहीं बुला आने के लिए। लेकिन हम अगर वहाँ रहते तो फिर तो हमें भी मरना ही है ना। लेकिन सर हमें ट्रांसफर चाहिए, हमें ट्रांसफर चाहिए। बस घर रहते हैं, लोगों लोगों के घर पे रहते हैं सर, कोई सिक्योरिटी नहीं है। तस्वीरें वाकई में इस समय विचित्र करने वाली हैं और दिल दहला देने वाली हैं। ये देखिए, ये जॉब कर रहे थे कश्मीर के अंदर, अपनी ईमानदारी से निष्पक्षता से ड्यूटी कर रही थी, लेकिन इन्हें भी आतंकवादियों को इनकी ईमानदारी रास नहीं आई और इन्हें भी जो था अपनी गोलियों का शिकार बनाया गया। और महिलाएं काफ़ी तादाद में यहाँ पहुंची हैं। पुलिस बल दूसरी तरफ दिखाना चाहूँगा, ये देखिए दूसरी तरफ की तस्वीरें आप, पुलिस बल जो है किस तरीके से यहाँ पे खड़ा किया गया। सरकार जाने की एक्टिव तो है, सरकार के पास इन्फॉर्मेशन तो है कि ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं इन्हें रोकने का प्रयास, यानी कि सरकार को पता है कि ये लोग यहाँ पहुँचे हैं और प्रदर्शन किया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार इनके लिए कोई पॉलिसी फ्रेमवर्क नहीं कर रही है। देखिए इतने सालों से काम कर रहे हैं, होम डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफर चाहते हैं, तो गुनाह क्या है? पंद्रह सालों से देखे आ रहे हैं वहाँ पे, कोई पॉलिसी नहीं, कोई पता नहीं कितने देर वहाँ पर रहना, अभी तक कुछ नहीं है सर, वहाँ पे टोटली अनसेफ है। आप यहाँ पहुँच गए शाम को, आप यहाँ पहुँच गए एक दिन से, कहाँ पहुँचे हैं? वहाँ पे हमला हो गया कुलगाम के अंदर एक ऑफिस से, बैंक मैनेजर हमला हुआ, तो बंदा वहाँ पे मिनोरिटी टोटली अनसेफ है, क्या करेंगे वहाँ पे? उनकी फैमिली का क्या होगा आप खुद सोचो, घर में बच्चे हैं, उसके छोटे छोटे बच्चे, अभी परसों मैडम हमारी मारेगी, घर में छोटे छोटे बच्चे बेचारे, उसका क्या हाल है? हम भी टोटली अनसेफ है, बाप नौकरी करेंगे किसका सहारे करेंगे? गवर्नमेंट भेजा बाप बच्चे पढ़ाने के लिए, हम अपना काम कर रहे हैं बच्चे पढ़ाने, लेकिन हमारी जान की हिफाजत कौन करेगा? मरने के लिए थोड़े गए बाप, हम मरने के लिए थोड़े गए हम बाप, ठीक है ना? हमारी भी कोई लाइफ है, हमारे घर वाले हमारे बच्चे हैं छोटे छोटे वहाँ पे। प्रधानमंत्री जी लगातार ट्वीट करते हैं, छोटा सा ट्वीट करते हैं, लेकिन आप इतनी तादाद में 5-6 हज़ार मुलाजिम हैं जो यहाँ से वहाँ कर रहे हैं, आप लोगों की चिंता नहीं, जम्मू पहुंचे थे लेकिन कश्मीर के युवाओं के लिए बात करी, जम्मू के युवाओं के लिए बात नहीं करी, अभी भी गहरी मुद्रा में सोई हुई, गवर्नमेंट गहरी मुद्रा में सोई है, गहरी निंद्रा में सोई है, उनको टोटली फेल है गवर्नमेंट, टोटली फेल है गवर्नमेंट। हमारे देखो ना कोई एम्प्लॉय मारा जाता है, चाहे वो हिंदू है, कुछ लोग मुस्लिम मारे गए, राहुल भट्ट जी मारे गए, उनके बाद रजनी बालाजी मारे गए, कब तक ये इनोसेंट किलिंग कब तक चलेगी? ये हमारे एलजी साहब कब तक सोए रहेंगे? इनके कानों तो पर जूं तक नहीं देखती है, ये अभी तक कोई इन्होंने कोई बोल रहे हैं सेफर प्लेसेस में हमें शिफ्ट करेंगे, लेकिन कश्मीर में सेफर प्लेस है कौन सा बताया जाए हमें? हम बाहर निकलेंगे, हमें कौन सेफ्टी देगा बाहर? बिल्कुल, कहा गया था और 6 जून कहा गया था कि 6 जून से पहले इन तमाम लोगों को जो है वो सेफर प्लेसेस में शिफ्ट किया जाएगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि सेफर प्लेसेस की बात की जाएगी, सेफर प्लेसेस जो है वो आखिरकार कौन से हैं, लेकिन साथ साथ में देख सकते हैं आप जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो है इनके साथ साथ चल रहे हैं और गाड़ी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ से आ रही है, और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं इस समय जम्मू की सड़कों के हाल आपको दिखा रहा हूँ। ये तमाम लोग जो हैं वो कश्मीर में कार्यरत हैं और कश्मीर में नौकरी करते हैं और ये एक ही मांग लेकर जम्मू पहुंचे हैं कि हमारी जान को खतरा है, हमारी जान जो है उसको सिक्योरिटी नहीं, हमारी जान जो है उसे जो है वो उसकी जो है वो वाला अमर रहे, राहुल भट्ट अमर रहे, इन नारों के साथ इनका प्रदर्शन जो है वो आगे जाता हुआ ये तस्वीरों में देख सकते हैं, काफ़ी तादाद में ये चेहरे काफ़ी चिंतन में हैं और चिंता जो है चेहरों पे साफ तौर पर नज़र आ रही है
और सरकार से एक ही मांग है कि हमें जो है वो ट्रांसफर जो है वो दी जाए कहीं ना कहीं। हम परेशान हैं, हमारे परिवार वाले परेशान हैं, छोटे छोटे बच्चे घर पर इंतजार कर रहे हैं, उनको ये नहीं पता होता कि हमारे माँ जो है वो वापस आएगी, मेरा पिता जो है वो वहाँ से वापस आएगा। जिस तरीके से एक खबर जो है वो हमारे पास पहुंची है कि कश्मीर में एक और हमला जो है वो किया गया है और कुलगाम के अंदर ही ये दूसरा हमला जो है 3 दिन के अंदर किया गया है। और एक बार फिर से बैंक मैनेजर देहाती बैंक में जो काम कर रहे थे, राजस्थान के रहने वाले विजय नाम बताया जा रहा है, उन्हें जो है आतंकवादियों ने अपनी गोली का शिकार बनाया और क्रिटिकल इंजर्ड हैं, उन्हें शिफ्ट किया गया है हॉस्पिटल के अंदर, उपचार चल रहा है। हम यही दुआ करेंगे भगवान जो है उनकी जान जो है उसे जो है किसी प्रकार की कोई जोखिम जो है उन्हें ना हो, खतरा ना हो, खतरे से बाहर हो, मैं यही दुआ करूंगा। लेकिन फिलहाल प्रदर्शन आप देख रहे हैं सड़कों पर, जम्मू की सड़कों पर ये तस्वीरें, वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, आप इन लोगों का साथ जरूर दीजिएगा। मैं तो यही आप लोगों से अपील करूंगा, जितना हो सके इस वीडियो को उतना शेयर करिए ताकि ये लोग जो है सेफ रहें, इनकी जान जो है वो सेफ रहे, सुरक्षित रहे। फिलहाल तस्वीरें आपको बहु एक्सप्रेस के माध्यम से मैं दिखा रहा हूँ और किस तरीके से कश्मीर घाटी के अंदर खूनी खेल आतंकवादियों का शुरू हो चुका है और एक बार फिर से टारगेट किलिंग जो है उसे दोहराया जा रहा है। साफ तौर पर आतंकवादी चाहते हैं कि कश्मीर के अंदर जो है बाहर ला कोई वहाँ पर ना तो काम कर सके ना वहाँ बस सके। दूसरी तरफ सरकार लगातार आश्वासन ये दे रही है और ये कह रही है कि हम जो है वहाँ पर बाहर ले इन्वेस्टमेंट लाएंगे, बाहर ले लोग वहाँ बसाएंगे, कश्मीरियों को वापस विस्थापित किया जाएगा। लेकिन एकाएक जो लोग वहाँ जा रहे हैं, जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं, ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर्स वहाँ जा रहे हैं, लेकिन इनकी जो है जान को खतरा है। टारगेट किलिंग जो है वो की जा रही है, चुन चुन कर जो है निशाना बनाया जा रहा है आतंकवादियों द्वारा, कायर आतंकवादियों द्वारा निशाना बनाया जा रहा है। और ये लोग आज भारी मात्रा में जम्मू में सड़कों के ऊपर उतरे हैं। सरकार गहरी मुद्रा में है, क्या सरकार की नींद खुलेगी, गहरी मुद्रा छोड़ सरकार जो है बाहर निकलेगी, इसका इंतजार जो है हमें करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल जम्मू की सड़कों के ऊपर आप तस्वीरें देखते हुए, वी वांट जस्टिस, वी वांट जम्मू ट्रांसफर, और इसके अलावा अजनीवाला अमर रहे, राहुल भट्ट जी अमर रहे, ये नारे जो हैं ये तमाम एम्प्लॉयज जो कश्मीर के अंदर कार्य रहते हैं उनके द्वारा यही नारे जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। वही इनका प्रोटेस्ट जो है जम्मू की सड़कों पर निकला है और जम्मू जुवल चौक की बात करें वहाँ से इनका प्रदर्शन जो था वो शुरू हुआ था। प्रदर्शन जम्मू की सड़कों से आप देख सकते हैं, आप चांद नगर से ये प्रोटेस्ट जो है आगे की ओर बढ़ रहा है। वही दूसरी तरफ जो है जम्मू कश्मीर के जवान जो है इनके साथ साथ चल रहे हैं, क्योंकि जम्मू की सड़क जो है उन्हें एक तरफ से जो है रोड को भी बंद जो है वो किया गया है ताकि ट्रैफिक जो है उसमें आवाजाही जो है वो सामना करना पड़े। फिलहाल तस्वीरें जो है वो आपको जम्मू की सड़कों से लाइव दिखा रहा हूँ, बहु एक्सप्रेस के माध्यम से आप देख रहे थे। आप अपने कमेंट बॉक्स में रखिएगा, वीडियो जितना से इतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहें बहु एक्सप्रेस पर, जरूर रह के साथ शुभ लगे बहु एक्सप्रेस के लिए। जय हिंद।